हेलो दोस्तों, पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को प्लीज़। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये एप्सन का प्रिंटर है, जैसे आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी शायद 2-3 महीने पहले लिया है, एक इको टैंक वाला प्रिंटर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें जो है पेपर जाम का सॉल्यूशन, जब पेपर जाम जब होता है इसमें, तो मेरा भी पेपर जाम हुआ है इसमें, और इसका एक आसान सा सॉल्यूशन है। आप यहाँ से जब पेपर डालते हैं तो इस तरफ, जब पीछे की तरफ से पेपर डालते हैं ना, अंदर की तरफ इसके अंदर रोलर होता है, जो ये पेपर को प्रिंटर से होके बाहर भी जाता है। जो आप जब भी, तो इसमें क्या होता है कि तो डस्ट, इसके अंदर डस्ट जमा हो जाता है, तो आपको फूंक, आपको ये एयर हवा के द्वारा ये डस्ट को भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एयर ब्लोअर है तो आप आसानी से इसमें, इसके अंदर हवा मार के जो रोलर में डस्ट जमा है उसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर एप्सन में आपका पेपर जाम होता है, अटक जाता है पेपर, तो आप जो यहाँ पे जो रोलर होता है नहीं अंदर, वो आप एयर ब्लोअर जो होता है उससे आप हवा मारिए आज। हाँ दोस्तों, आप एयर ब्लोअर से हवा मारे तो इसके अंदर जो भी डस्ट है वो निकल जाएगा और आपका जो है पेपर जाम नहीं होगा। इधर पीछे की तरफ इसके अंदर आपको एयर ब्लोअर मारना पड़ेगा और आपका पेपर जाम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।